निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के अति पावन चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परमादरणीय स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी श्री महेश्वरानंद गिरी जी के पुनीत पावन चरणों में प्रणाम। परम पूज्य परमादरणीय मंचस्थ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ राजकोट से पधारे श्री महाराज जी के पुनीत पावन चरणों में प्रणाम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। एतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम्। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितैर्येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् विद्यकर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः विद्यकर्तारमव्ययम्। मया गुणकर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यं सृष्टं। तस्य चत्वारः वर्णानां कर्तारमपि माम् हे अर्जुन विद्धि अकर्तारम अव्ययम् इति अन्वयः। इसका अन्वय ऐसा होता है, चारों वर्ण हमने उसकी सृष्टि की। किस प्रकार से किए सृष्टि? तो गुण कर्म विभाग। जैसे हमने कल बताया कि जो चार वर्ण है दे आर नॉट फिजिकल डिवीजन, इट इज साइकोलॉजिकल डिवीजन।
the disposition, psychological dispositions are fourfold, जो समाज में आज भी है, और वो जो चतुर्विद मानसिक दृष्टिकोण अभिगम है उसका कारण चार प्रकार के गुणों का संयोजन है। सत्व रजस तीन गुणों का चार प्रकार का संयोजन है तो उसे कहते, और गुणों का जो संयोजन है उसका कारण पूर्व जन्म के कर्म है। जैसे देखिए कर्म से प्रारब्ध में सिर्फ परिस्थिति आती ऐसा नहीं है, मानसिकता भी प्रारब्ध में ऐसी आए, मानस अभिगम भी ऐसा होगा। जैसे कि कोई दूसरी ऐसी कोई योनि है जिसमें आलस्य निद्रा प्रमाद सबसे ज्यादा है, जैसे पोलर बेयर देखो आप 6 महीने तक बैठे रहते हैं, तो मन भी ऐसा होगा, उसको वो 6 महीने में कहीं बाहर जाने का मन नहीं होगा। जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनकी डिस्पोजिशन मांस खाने की ही रहेगी, जितने शाकाहारी है उनकी डिस्पोजिशन शाक की ही रहेगी, वेजिटेरियन। जो कठोपनिषद में यमराजा कहते हैं योनि मन्ने प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणु मन्नेनु संयन्ति यथा कर्म यथा श्रुतम्, कर्म और वासना दोनों समांतर मिलके योनि देती। तो ये जो वर्ण है वो मानसिक डिस्पोजिशन मेंटल डिस्पोजिशन है। ब्राह्मण कौन है? सत्व प्रधान है। उनके कर्म क्या कहे भगवान 18वें अध्याय में मैंने कल बताया था, वो वर्स नंबर 41-44 में कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यम शूद्राणाम च परंतप, पेज नंबर 434 है इस किताब में आपकी जो भाष्य की है। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैहि गुणैहि, स्वभाव प्रभवैहि गुणैहि, उनकी प्रकृति के गुणों की जो अभिव्यक्ति होती है उस प्रकार से मैंने चार प्रकार के कर्म कहे हैं। ब्राह्मण कौन है भाष्यकार यह संक्षेप में लिखते हैं, भाष्यकार कहते हैं तत्र सात्विकस्य सत्व प्रधानस्य ब्राह्मणस्य शमोदम तप इत्यादि कर्माणि। सात्विक जो है ब्राह्मण सत्व की प्रधानता है, उसके क्या कर्म है? शम दम। वो 42वें श्लोक में शमोदम तप शौचम क्षार्ति क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव, उसका स्वभाव है उसकी प्रकृति है। आगे कहते हैं रजो तत्र, फिर कहते हैं तत्र सत्व उपसर्जनस्य सर्जन रज प्रधानस्य क्षत्रियस्य शौर्य तेज प्रवृतेनि कर्माणि। जो क्षत्रिय है वो रजो पर गुण प्रधान है, दूसरे नंबर पे उसके जीवन में सत्व है टाइप बी जिसको कहेंगे, तो सत्व होने के कारण उनके क्या कर्म है? शौर्य तेज धृति दाक्षम युद्धे चापि अपलायनम, कभी वापस नहीं आएगा। दानम ईश्वर भावश, देना है तो आराम से दे देगा। ईश्वर भावश, ईश्वर भावश में शासक का भाव, लीडरशिप क्वालिटीज रूलरशिप क्वालिटीज क्षत्र कर्म स्वभावजम। और वैश्य का क्या कहते हैं? तम उपसर्जन रज प्रधानस्य वैश्यस्य कृष्यादीनि कर्माणि। वैश्य भी रजस प्रधान है लेकिन दूसरे नंबर पे क्षत्रिय में सत्व है वैश्य में रज तमस है, तो उनके क्या कर्म है? कृषि इत्यादि नहीं। तो यहाँ पे भी 44वें श्लोक में कहते हैं कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभाव, सेवा शुश्रूषा शूद्र का कर्म है। देखिए समझिए, मैंने कल कहा था ये मॉडल कब काम करेगा। यू शुड नो व्हाट इज ह्यूमन ग्रोथ, मनुष्य का विकास किसे कहते हैं। आजकल ग्रोथ के एक नए पैरामीटर खड़े हुए हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ इज योर ग्रोथ, अखबार में भी आएगा फला फला की कैपिटल टोटल इनकम
वर्थ इतने लाख करोड़ है। अदानी ये नंबर पे से अभी इतना गवाया उन्होंने, इट्स ऑल स्टॉक मार्केट, दैट इज ओके, यू मे ग्रो फाइनेंशियली, उसकी कोई हमें विरोध नहीं है, लेकिन मनुष्य का सच्चा विकास कब है? योर ग्रोथ लाइज इन योर कैपेसिटी टू गिव अप, कैपेसिटी टू लीव। क्या करना है जो जिसको कहना ममकार छोड़ना है, ममकार भी नहीं छोड़ना है, आखिर में तो राग द्वेष छोड़ना है। जितनी मात्रा में आप राग द्वेष के बंधन से मुक्त हो सके उतनी मात्रा में आपका विकास हुआ है। मनुष्य जन्म का प्रयोजन ये है, कितनी चीज इकट्ठी करी वो ग्रोथ नहीं है, कितना यश पाया, कितनी सत्ता पाई, कितने पैसे पाए, कितने भोग किए, वो मनुष्य का विकास नहीं है। द रियल ग्रोथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज टू बी मास्टर ऑफ वन्स ओन माइंड, नॉट टू बी दुर्योधन, जानामि धर्मम न च मे प्रभु। वो अपने आप को रोकने के लिए स्लेव ऑफ योर माइंड, मास्टरिंग माइंड मीन्स मैनेजिंग योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, राग द्वेष से वश में हम कर सकते हैं, अर्थात दैट इज कॉल्ड फ्रीडम। देखिए मोक्ष जिसे कहते हैं, फ्रीडम कहते हैं, वो आत्मा तो निरपेक्ष मुक्त है, लेकिन वो सापेक्षित मुक्ति यही है कि हम राग द्वेष के बंधन से मुक्त हो। जितनी मात्रा में आप अपने राग द्वेष से मुक्त होंगे उतनी मात्रा में आप सुख। इसलिए भजगोविंद में शंकराचार्य जी कहते हैं, कस्य सुखम न करोति विराग, सुर मंदिर तरु मूल निवास, शय्या भूतल मजिनम वास। राग द्वेष इज योर सब्जेक्टिविटी, इट हैज टू बी दिस वे ओनली, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हम उसी में लगे रहते, राग द्वेष के अनुरूप दुनिया बनाने में ही लगे रहते, राग द्वेष के अनुरूप हम अपने जीवन साथी को, लोगों को बदलने में लगे रहते, ऐसा करो ऐसा करो, उसको चेंज करना, वो बदलना वो करना है, यू कैन नेवर बी हैप्पी, और वही दुख होता है। मेरे राग के अनुरूप न हुआ तो मुझे दुख है, द्वेष के अनुरूप हुआ तो भी मुझे दुख है, वैसे वर्षा राग के अनुरूप हुआ तो सुख है। अनफॉर्चुनेटली राग द्वेष अनंत है, इतना ही नहीं निरंतर बदलते रहते, तो कभी भी आप सेट नहीं होंगे। तो जितनी मात्रा में आप अपने राग द्वेष से मुक्त हो सके उतनी मात्रा में आप मुक्त है, that is called relative freedom। ये रहने तो बहुत गर्मी है, उसका राइडर ठीक कराओ ना भैया, एक नंबर दो नंबर पे कराओ। अच्छा पांच पे रख दे, सी सफोकेटिंग, लिसन, none of the riders are working, that then it makes lot of noise, so ask him to repair the riders. So all of this AC both will are refreshed. अरे सवारा तेज़ है। ना AC नहीं वाला ना थी, पर आए आए वो कराऊँ जो से पंखा रखा जाए। राइडर पांच ऊपर अच्छा ले। ये दिनों से आवाज़ करतू ना दिया। अल्ले that's a major problem. बनाये हो गम है पंखा वाला तो पड़ा है। Anyway. हाँ? कमरे पर डिस्टर्ब है, बुलवावा कमरे पर डिस्टर्ब है। कहाँ दोनों? काले कराव So, दूसरे शब्द शंकराचार्य जी एक जगह पे प्रश्नोत्तरी में कहते हैं कि विराग कहा, 40 प्रश्न है, एक एक पीस, वन लाइनर, नॉट इवन वन लाइनर, टू वर्ड्स थ्री वर्ड्स, विराग कहा, तो कहते हैं अदृढ़ राग द्वेषवत्व विराग, राग द्वेष दृढ़ न होना उसको वैराग्य। जितने वो मुक्त होंगे उतने आप सत्व प्रदान, मतलब अंतःकरण की शुद्धि पाना वही सक्सेस इन लाइफ, दैट इज रियल अकम्प्लिशमेंट। भगवान गीता जी में आगे कहते हैं, तीन चार बार ये शब्द है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते,
आगे कहते हैं अनेक जन्म संसिद्ध संसिद्ध में अंतःकरण शुद्धि प्राप्त मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति यतते सिद्ध है दैट इज रियल अकम्प्लिशमेंट यततां अपि सिद्धानां कश्चित् माम वेत्ति तत्र संसिद्धि प्राप्त हो 18 अध्याय में भी 4 से 5 बार सिद्धि शब्द है। सिद्धि ये नहीं है कि आप किसी का भविष्य बता सको, सिद्धि ये नहीं है कि आप किसी को कुछ रोग है तो ये हनुमान चालीसा करो हो करो ठीक हो जाएगा, आप उसका भूतकाल बता दो, मतलब ठीक है। सिद्धि ये है कि आपका अंतःकरण शुद्ध है, दैट्स अ रियल सिद्धि। और आगे कहें थोड़ा विषयांतर करके, कथा सुनने का प्रयोजन भी हुई है। श्रीमद् भागवत में लिखा है शुरू के अध्याय में अधिकारी विषय है, प्रविश्य कर्ण रंध्रेन धुनोति कश्मलम कृष्ण। कथा सुनने से फायदा क्या क्या चाहिए? कान में से कृष्ण हृदय में प्रविष्ट होते हैं और हृदय का मैल दूर करते हैं, आपको अंतःकरण शुद्धि प्रदान करते हैं। दैट इज अ पर्पस ऑफ कथा। वही माखन चोर की कथा का रहस्य, मक्खन क्यों चुराना है? अशुद्धि ले जानी पड़ती है बल 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 से, कोई देगा नहीं, आसक्ति छोड़ेगा नहीं, भगवान थप्पड़ मार के छोड़ा था। 11वें अध्याय में कहा है, वही भागवत श्रीमद् भागवत में भगवान कहते जिसके प्रति मैं कृपा करना चाहता हूँ उसका धन हरण कर लेता हूँ, उसको थोड़ा दुख ज्यादा देता हूँ ताकि उसकी आसक्ति छूटे। एनीवे, सो द रियल सक्सेस रियल अकम्प्लिशमेंट इज to what extent my heart is pure, to what extent I am free from likes and dislikes, उसी व्यक्ति को वृद्ध कहते हैं। That is a वृद्धि। Growing old is different. गरड़ा थाउ अने वृद्ध थोड़ा माफ रख, उसके लिए मॉडल दिया है कर्म। कर्म भिन्न है लेकिन कर्म में एटीट्यूड समान, सबको किस भावना से करना है? ईश्वरार्पण बुद्धिया इदम हम करो, भगवान को समर्पित करके काम करो। जब भगवान को समर्पित करके आप कोई भी काम करोगे वो भाव भक्ति है और वो ही भक्ति अंतःकरण को शुद्ध करेगी। कर्म विभाग है लेकिन स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, वो एटीट्यूड इज इम्पोर्टेंट उसके पीछे। इसीलिए किसी को पक्षपात नहीं है, किसी को अच्छा बुरा नहीं है। जैसे मैं दोबारा कहूंगा, कल मैंने बार बार कहा है फिर भी, ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है, ब्राह्मण इज एन एडवांटेज। और ब्राह्मण को सिर्फ इस जन्म से आप मत देखो, एक जीव है हमारी और आपकी तरह, कई जन्मों जन्मांतर से वो जीव अनादिकाल से संसार में जन्म मरण के चक्कर में घूम रहा है। कई पुण्य हो गए, कई ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक घुमा होगा पुण्य और पाप के कारण। इस जन्म में वो जीव के ऐसे पुण्य पक गए कि सत्व भी गया, दैट्स ऑल। हमारे भी हो सकते थे और हमारे भी हो गए होंगे, हमें क्या मालूम, वी माइट हैव मिस्ड द बोट इन प्रीवियस जन्म, एंड दैट्स व्हाई वी आर नाउ ओवर हियर। तो अगर एक ही जन्म से देखेंगे और इस प्रकार से देखेंगे तो कहेंगे इन्होंने वर्णाश्रम है और इसको अपेंड, वो ऐसे आगे वाले हैं वो पीछे वाले, ये उच्च है वो नीच है। उच्च नीच तो ब्रिटिशरों ने कंडीशनिंग किया हुआ, एंड वी बॉट इट, देयर इज नो उच्च नीच शास्त्र। सभी समान है, भावना भी समान है, सबके लिए अंतःकरण शुद्धि के मार्ग समान है। और हमारे इतिहास में कितने दृष्टांत है, जन्म से शूद्र होने पर भी भगवान को पाया, कितनी कथा है। कर्म कुछ भी हो, जैसे वो ये विठोबा की जो कथा है, वो अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, उसने भगवान को पा लिया। क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी प्रकृति के अनुसार करिए और उसमें भावना ईश्वरार्पण की रखिए। तो भगवान ने कहा कि भावना क्या है, ये मेरा कर्तव्य है और कर्तव्य करते समय ये मेरी भावना है, ईश्वर ने मुझे कर्तव्य के लिए नियुक्त किया है, तो मैं ईश्वरार्पण बुद्धि से
ईश्वर को समर्पित करने की भावना से मैं अपना कर्तव्य करूं। आज प्रॉब्लम यह है कि होल सोसाइटी इज नॉट ड्यूटी बेस्ड सोसाइटी, इट इज राइट बेस्ड सोसाइटी। अधिकार की बात करनी है। हमारी परंपरा में फर्ज वो हमको पढ़ाई जाती थी, आज कह रहे संस्कार देना इतनी बात है, एजुकेट द चिल्ड्रन अबाउट द ड्यूटीज। बहुत सारी बातें चलती है, स्पेशली न्यू NEP में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दे सेड कि भाई वैल्यू एजुकेशन डालो, वो डालो, कुछ डालेंगे, मेक देम ड्यूटी कॉन्शियस, वो अपने आप वैल्यू आ जाए। कर्तव्य में निष्ठा आ जाए आदमी, हमारा समाज ड्यूटी बेस्ड था। क्यों ड्यूटी बेस्ड था? क्योंकि गंतव्य मोक्ष था। गंतव्य मोक्ष के लिए साधन क्या है? शुद्ध अंतःकरण साधन। उसके लिए क्या करना चाहिए? कर्तव्य प्रधान जीवन जीना चाहिए। इसीलिए उनको लगता है कि ड्यूटी में है तो यू आर डिप्राइव्ड ऑफ इट, राइट्स नहीं मिले वगैरह। एंड व्हेन यू टॉक ऑफ राइट्स, देयर आर गोइंग टू बी फाइट्स ओनली। व्हेन यू टॉक ऑफ राइट्स, देयर इज द होल सोसाइटी विल बी लिटिगेंट सोसाइटी। पूरे अमेरिकन सोसाइटी जाओ आप, पूरा लिटिगेंट, वो किया तुरंत केस लग जाएगा। चोर वाला चोरी करना आया, ऊपर से गिरा, फिर केस कर दिया। क्यों? छप्पर ठीक से रिपेयर क्यों नहीं किया? मैं गिरा ना। और कोर्ट ने कॉम्पेंसेशन दिया। क्या पागल हो, बिकॉज माय राइट। सो द होल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, सी द वे ऑफ लिविंग, द विजन ऑफ लिविंग इज हिंदू धर्म का ड्यूटी बेस्ड। Goal of life is moksha, primary goal. Secondary goal is antakarana shuddhi, vairagya. And therefore, the vision of living is what? Way of life is duty-based society. And Bhagavan kehte hain, aapne banaya jagat, aise varna kiye, phir bhi, tasya kartaram api maam, vidhi akartaram, अव्ययम्। ये पूरी सृष्टि बनाने वाला होने पर भी आप मुझे अकर्ता के रूप में जानो। देखिए, कर्तृत्व कौन से दृष्टिकोण से? भगवान सर्वव्यापी है, ब्रह्म स्वरूप है, निरंजन निराकार निर्गुण है, तो उसमें कर्तृत्व हो ही नहीं सकता स्वरूप से। फिर भी कह सकते, कैसे कह सकते हैं? अब एक छोटा सा दृष्टांत दें, जो दृष्टांत पुनः पुनः आएगा इसमें। आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारे संसाधन हैं जो सोलार एनर्जी से चलते हैं। सोलार गीजर है, सोलार पावर है, सोलार वॉच है, सब है सोलार पे चलता है। सोलार गाड़ी भी आ रही है, सोलर प्लेन भी कुछ बनाया किसी ने, कह रहे। तो हम ऐसा कह सकते हैं, हम अभी बोले इतने सारे संसाधन है जो सोलर से सूर्य के कारण चलते हैं, तो सबको चलाने वाला कौन हुआ? सूर्य। अगर ये संसाधनों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो कह सकते हैं कि सूर्य चलाता है, लेकिन स्वयं सूर्य को पूछेंगे, मैं तो कुछ नहीं करता। स्वे महिमनी तिष्ठति, अपने स्वरूप में सूर्य देवता, सूर्य भगवान स्थित है, उसकी सन्निधि मात्र से सब चलने लग जाते। उनको चलाने के लिए सूर्य को कुछ करना नहीं पड़ता, सूर्य भगवान को संकल्प नहीं लेना, हाँ अभी सबको चालू करो। हम ऐसे भी कहते हैं सूर्य भगवान के उगने पर जगत उड़ जाता है, होल एनिमल किंगडम, बर्ड्स किंगडम, they become animal, they start activating, searching for food when there is sunrise. लेकिन सूर्य उठाता नहीं। उसी तरह से भगवान की सन्निधि मात्र से माया कार्य करेगी। मायाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुना नैव कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरी जैसे सूर्य के होने मात्र से वो करती है,
सूर्य कुछ नहीं करता है, उसी तरह से माया उसकी जो अचिंत शक्ति है वो क्रियान्वित हो जाती है भगवान की सन्निधि से, भगवान उसको क्रियान्वित करते भी नहीं है। और थोड़ा आपको कल्चर संस्कृति समझाने के लिए, इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे रहे, ब्रह्मा जी दिन भर सरस्वती की वीणा सुनते रहते, विष्णु जी सोए हैं शेष नाग के ऊपर, शिव जी समाधि में, लेकिन पार्वती काम कर रही है कैलाश, लक्ष्मी जी पांव दबा रही है, सरस्वती वीणा बजा रही है। डोंट टेक इट लिटरली, सरस्वती लक्ष्मी पांव दबा रही है तो बेचारे विष्णु के पांव का क्या होता होगा आज इतने साल बाद, चाहे सॉफ्ट हो महिला के हाथ है फिर भी, इट इज नॉट दैट। भगवान स्वरूप से निष्क्रिय है, अकर्ता, और जो सृष्टि के दृष्टिकोण से कहे, पूरी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय माया से है, माया को कौन चेतनबंदी बनाते हैं, तो बोले भगवान के कारण बनती। ऑल सोलार गैजेट्स बिकम एनलिवेंट एक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ सन, देयरफॉर वी इंप्यूट कर्तृत्व ऑन द सन। सूर्य में कर्तृत्व है ही नहीं, उसी तरह भगवान के तो माया के दृष्टिकोण से मैंने बनाया, क्यों, मेरे ही कारण माया चेतनवंती बनी, लेकिन उसको चेतनवंती करने के लिए मैं कुछ करता नहीं, तो मेरी सन्निधि मात्र से माया होती है। यही चीज दोबारा समझाते हैं, देखिए आगे का श्लोक। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्माणि माम न लिम्पन्ति, कर्म फले न च मे स्पृहा इति यह माम अभिजानाति सह मनुष्य कर्म भी न बद्यते, कर्म फले फलात मुक्तो भवति। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कर्मों से लेपित नहीं होता हूं, मेरे में कर्म फल की कोई स्पृहा नहीं है। इस प्रकार से मुझे अभी जानाती नहीं, अभी जानाती पूर्ण रूप से, अभीतः सर्वतः पूर्णतः जानाती, नोज मी क्लियरली एज अ सेल्फ, वह भी वो पूर्ण मनुष्य भी कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाती। इस श्लोक की संगति में जरा आपको समझाने के लिए देखिए, शास्त्र सर्वग्राही रूप में पढ़ने चाहिए। जो पांचवें श्लोक में भगवान ने कहा, पांचवें और छठे श्लोक में इवन, अथवा या तो हमने जहां नौवें से शुरू किया, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम नाइन, आई डोंट नो आगे के श्लोक में आपको क्या पढ़ाया था, नौवें में कहे जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, कर्म कैसे दिव्य है ये मेरे कर्म की दिव्यता। प्राकृत कर्म क्या है, कर्माणि लिम्पन्ति कर्म फले स्पृहा अपि वर्तते, मुझे कर्म बांधते नहीं है। क्यों नहीं लिपायमान होता हूं मैं कर्म से, क्योंकि देहारंभकत्वेन अभावः, क्यों, अहंकार अभाव। भगवान कहते हैं मेरे में कोई अहंकार नहीं, क्यों अहंकार नहीं है, देह भावना नहीं, क्यों देह भावना नहीं है, मैं ज्ञानी हूं, सर्वज्ञ हूं, सर्वशक्तिमान हूं,
यस सर्वज्ञ सर्ववित यस्यैष महिमा भुवि। मैं जन्म से ही ज्ञानी आत्मज्ञानी, जन्म ही अज्ञान के कारण है। भगवान कह मेरा जन्म अज्ञान से नहीं है, कर्म फल से नहीं, मैं जन्म से ही ज्ञानी हूं। न मुझे न मैं कर्म फले स्पृहा, कर्मों के फल में भी मुझे कोई स्पृहा नहीं, अर्थात कर्मों कर्म के फल से मुझे कुछ पाना नहीं। नथिंग दैट आई वॉन्ट टू गेन, समथिंग दैट इज सेंटर्ड ऑन आई, मुझे खुशी होगी, मुझे पूर्णता प्राप्त होगी, मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं ठीक ही हूँ, पूर्ण ही हूँ और सुखी हूँ। मेरे सभी कर्म आउट ऑफ फुलनेस, नॉट फॉर फुलनेस। मेरे सभी कर्म आउट ऑफ टोटल हैप्पीनेस, नॉट फॉर एनी हैप्पीनेस। ये फर्क है। न मैं कर्म फले स्पृहा, क्योंकि स्पृहा भी नहीं है, तृष्णा भी नहीं है। संसारी किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं? कर्म में अहंकार है। अहंकार मतलब मैं नहीं, अहंकार पारिभाषिक शब्द है, टेक्निकल वर्ड। अहंकार मीन्स समटाइम्स पीपल हु आर एरोगेंट, वी कॉल देम टू बी इगोइस्ट, दैट इज नॉट ईगो एक्चुअली। ट्रेडिशन आई मीन टेक्निकल जार्गन, अहंकार मीन्स कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव। इन आई सेंस आई एम अ डूअर, I am an enjoyer, that sense centered on I is अहंकार। अपने आप को कर्ता देखना, अपने आप को भोक्ता रूप में देखना, वो अहंकार। भगवान कहते हैं मेरे मुझ में अहंकार नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व ही नहीं। जीव कौन है? जीव की भी वही व्याख्या, जीव जो किसे कहते हैं, कर्ता भोक्ता जीव। और जीव वही है जो अपने आप को कर्ता भोक्ता के रूप में देखता है। अहंकारी जीव है, जीव ही अहंकारी। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व है, इसीलिए उन्हें कर्म फल बांधते हैं और कर्म भी बांधते हैं। अर्थात कर्म करते हुए भी वास्तव में मैं कर्म नहीं कर रहा, मेरे में कर्तृत्व ही नहीं है। कहने का मतलब क्या है, ये जो वर्ण की विषमता है, मनुष्यों के जन्म की विषमता है, विषमता सत्व रजस तमस की प्रधानता से। मैंने ही कहा कि सत्व होना अच्छी बात है, अंतःकरण शुद्ध होना अच्छी बात है, लेकिन ये विषमता मेरे हिसाब से नहीं है, मैंने नहीं खड़ी की, सब अपने कर्म फलों के कारण ही विषमता के शिकार बनते, हमें कुछ नहीं करना, मेरे में विषमता नहीं है। हम मैं कैसा हूं अभोक्ता, इति माम यो अभिजानाति, ऐसा मुझे वो जानता। देखिए गीता जी की 5 रुपए की किताब ले लो, जिसमें हिंदी भाषांतर है, ये श्लोक का भाषांतर पढ़ लो, तो आपने जान लिया कि भगवान अकर्ता है अभोक्ता, तो आपका मोक्ष हो गया, 5 रुपए में मोक्ष हो जाएगा। इति जाना थी, खाली वही जानना है, ये क्या वैराग्य, अंतःकरण शुद्ध करना, इति ड्यूटी बजाना, ड्यूटी बजाओ तो यू ऑलवेज बर्न योर हार्ट फॉर एज मे, बिकॉज देर इज अ वेरी द ब्लर लाइन इज वेरी ब्लर्ड, वेयर टू स्टॉप एंड वेयर नॉट टू स्टॉप, एंड समटाइम द अदर फेलो टेक्स डिसएडवांटेज ऑफ योर कमिटमेंट टू ड्यूटी एंड यू आर पुल्ड, एंड कितना प्रॉब्लम। 5 रुपए ले लो, जान लिया मोक्ष हो गया, फर्ज बजाओ, अंतकरण शुद्ध हो गया, वैराग्य हो गया, फिर गुरु के ढूंढो, गुरु जी के पास जाओ, गुरु जी पढ़ाए न पढ़ाए क्या बात है, और कहाँ जाना क्या पढ़ना, और पढ़ पढ़ के श्रवण करो, मनन करो, नीति ध्यान करो, उसके बजाय लो भाषांतर पढ़ लिया, जान गए। देर इज अ सफिक्स, जानाती अभी, एवरी सफिक्स जो होते हैं ना, they have a purpose, it enhances or changes the meaning of the very word, very verb. अभितः सर्वतः जानाति, मतलब आत्मत्वेन जानाति, जो भगवान अकर्ता है,
जो भगवान अब भोगता है वो ही मेरा आत्मा है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्र शुभा, मैं ही हूं अहम के रूप में। ये जिसको ज्ञान है वो कर्म के बंधन से मुक्त। इति माम यो भी जानाति कर्म भी सन बद्धते, कैसे बंधेगा, क्योंकि वो स्वयं अपने आप को अकर्ता रूप में जान लेता है, अपने आप को अभोक्ता रूप में जान लेता है। और अपने आप को अकर्ता भोक्ता रूप में जानना ही कर्म के बंधन से मुक्ति। कर्म पर से डजंट बाइंड, रिमेम्बर, कर्म अपने आप में बंधन नहीं खड़ा करता है। और कर्म करते समय कर्तृत्व जो है वो बंधन करता है। ये जो पशु है ना, उनका नाम, उनको विमुक्ता कहते हैं। शिव जी के मंदिर में भी होते विमुक्तेश्वर, आपने सुना होगा, शिव जी को विमुक्त के ईश्वर है। पशु को विमुक्त क्यों कहा? विमुक्त का अर्थ तो ज्ञानी है जो संसार के बंधन से छूट गए। ज्ञानी पुरुष कर्म करते हुए दिखने पर भी नहीं करते, क्योंकि कर्तृत्व तो नहीं है, इसलिए जन्म मरण से मुक्त है। उसी तरह से ये जो पशु है उनमें भी कर्तृत्व तो नहीं है, they are just instinctually doing the things without any sense of doership. जब गाय दूध देती है तो गाय के मन में भाव है मैं दूध दे रही हूं, किसी पशु में नहीं है। आत्मा भाव ऐसा अहंकार वाला नहीं है। लोग आजकल कुत्ते पालते हैं और कुत्ते को बहुत प्रेम करते हैं और इतना प्रेम हो जाते हैं उनको, कुत्ते या बिल्ली बहुत सुंदर लगने लगती, इतना ब्यूटीफुल है, इसमें से मेकअप कराते हैं, ड्रेस लाते हैं, तो उसमें खेल करते हैं, बातें करते हैं, तो तू कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, 10 बार बोले। लेकिन आपने कभी देखा कुत्ता मिरर के सामने जाकर खड़ा हो के मेरे फिगर अच्छी है, मेरे बाल अच्छे है, मेरी आंख अच्छी है, कभी नहीं देखा। बिल्ली भी नहीं देखी, बड़े बड़े मिरर होंगे, इट विल नेवर लुक एट इटसेल्फ। There is no self, much self-awareness. There is no ego. मैं सुंदर हूं ऐसा कुछ नहीं, सुंदर हूं करके हील्स वाला चप्पल पहन कुछ नहीं है, जो है जो है, रोटी खिलाओ खा के सो जाओ। सो वो विमुक्त कहते हैं, क्यों? अहंकार, कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं। कैसे मुक्त हो जाएंगे, अध्याय के अंत में कहेंगे। थे धाम से समिद्धोग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानात्मि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन तथा, ये बाद में आएगा। लेकिन कर्म के फल के बंधन से आदमी मुक्त हो जाता है। इति माम अभिजानाति, ये भाष्यकार लिखते येषां तु संसारिणां अहं कर्ता इति अभिमानः कर्मसु स्पृहा तत्फलेषु च तान कर्माणि लिम्पन्ति। जो संसारी है, जिसको कर्म में अहंकार है, कर्तृत्व है, अभिमान है, कर्म में और कर्म के फल में स्पृहा है। देखिए तृष्णा दो प्रकार की होती है। इच्छा है, ऐसा मत सोचो कि हाँ वैराग्य में लगभग भोग छोड़ दिया, नो, आफ्टर सर्टन एज भोग की इच्छा कम होती है। राग भोग में नहीं होता, राग कर्म में होता। पीपल से स्वामी जी बहुत पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन आई लाइक माई वर्क, यू आर बैटरिंग मनुष्य जन्म फॉर वर्क, आसक्ति है, कर्तृत्व भाव है। कई लोग ऐसे होते हैं, बुजुर्ग लोग, कि स्वामी जी शिविर में नहीं आ सकते, अभी क्या बात है, बोले अभी घर में पोता आ गया है ना, उसको पढ़ा करना, इस दो यू आर डेली पुलिंग यू, वो अपने आप हो जाएगा। बोले नहीं नहीं आप, वो बोले घर में कोई नहीं है, नहीं उसके सब है। तो मैं पूछता हूँ क्या उसकी माँ काम कर रही है, बोले कुछ काम नहीं कर रही है, घर में तो नौकर है 3, तो फिर तो क्यों नहीं आते, नहीं हमारी जिम्मेवारी,
कर्मासु, सिर्फ फलाशक्ति नहीं होती भैया, अमोघ वैराग्य का दोनों है, कर्म फलाशक्ति भी छोड़ना है और कर्माशक्ति भी छोड़ना। इसलिए भगवान भाष्यकार यहां कहते हैं कर्मसु स्पृहा तत्फलेषु च, दो प्रकार की आसक्ति होती है, अमुक अकीद के एक सर्टन एज के बाद में कर्म की आसक्ति, मुझे यह करना अच्छा लगता है। कई लोग कहते स्वामी जी टाइम पास तो करना पड़ेगा, इसलिए हम जाते ऑफिस, टाइम पास करने के लिए नहीं है, टाइम इज गिवन टू इट, यूटिलाइज इट फॉर मोक्ष, मोक्ष के लिए समय का उपयोग करना है। कम से कम मोक्ष हो तो धर्म के लिए तो करो, पुण्य के लिए तो करो, वो सेवा भी नहीं करेगा, पैसे है सब है फिर भी पैसे छूटेंगे नहीं किसी को दे दे एक समाज वाले वो नहीं बच्चों के हॉस्टल बनाते बाड़ी बाड़ी बनाते, तो सब कारोबारी मंडल वाले गए एक सेठ के पास, उन्होंने सोचा भी दान लेने की सूची बनाई, बोले अपने समाज के फला फला आदमी है, वैसे तो अकेला 50 लाख करोड़ का दान दे सकता है, लेकिन सब जानते थे बड़ा कंजूस था, बोले 5 लाख भी दे दे तो बहुत हो गया, 5 मांगेंगे तो दूसरे ने कहा 5 मांगोगे 2 देगा, बोला लिस्ट बनाए प्रोबेबल डोनर्स, तो सब गए, बड़े प्रेम से उसने स्वागत किया, चाय में पिलाई, ऐसे बात, अरे इतना अच्छा काम है, मैं आप किसी के पास मत जाओ, 1 करोड़ मैं देता हूँ, मुनीम जी चेक दे, बेचारे कितने आश्चर्यचकित हो गए, मानने में नहीं आया कि ये बंदा मक्खी चूस 10 रुपया देता, सीधा 1 करोड़ रुपया दे दिया उसने, और भी बोलो जो चाहिए ले जा, तो बेचारे इतने भावुक हो गए, सब चले गए, पूरे रास्ते भर में बात करते रहे, क्या आज हमारे पुण्य से हुआ, भगवान की क्या इच्छा है, कैसे हो गया, सब बातें करते रहे, ऑफिस में जाके चेक दिया अकाउंटेंट में तो उस पर दस्तखत नहीं, सिग्नेचर, वापस आए कि साहब दस्तखत नहीं है, मैं दस्तखत नहीं करूंगा, मैं गुप्त दान में मानता हूं अपना नाम नहीं लूंगा, गुप्त दान देना चाहता हूं ऑल द वेल्थ दैट यू अर्न इज टू लिव हियर, इट इज वाइलिंग अवे द टाइम, इंग्लिश में एक शब्द है, कर्माशक्ति से कुछ न कुछ करते रहना, विच इज नॉन प्रोडक्टिव, इट मे बी प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ अर्निंग वेल्थ, इट मे बी प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ सोशल स्टेटस और पोजिशन और सम कनेक्शंस, वॉट इज प्रोडक्टिव, दैट इज प्रोडक्टिव विच लीड्स टू अंतःकरण शुद्धि और मोक्ष, वही प्रोडक्टिव, बाकी सब नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। बच्चों जैसे 3 साल 4 साल का बच्चा होता है, घर में भागा भाग कर इधर से जंप करेगा उधर जाएगा, वो क्या मिला, जस्ट रेस्टलेसनेस इज एक्सप्रेस्ड आउट, ओनली डिफरेंस इज द चाइल्ड वाज जंपिंग फ्रॉम सोफा टू अनदर सोफा, फ्रॉम अनदर बेड टू अनदर बेड, दिस फेलो इज जंपिंग फ्रॉम हाउस टू अनदर ऑफिस एंड अनदर फैक्ट्री, दैट्स ऑल अनप्रोडक्टिव। कर्माशक्ति भी जानी चाहिए, फलाशक्ति भी, भगवान के मुझे कुछ नहीं है, जीव कौन है ऐसा है, इसीलिए जीव को तान कर्माणि लिंपंती, लिंपना मतलब कम कर्म चिपकते कर्म चिपकना में कर्म फल कम्स, यस नो चॉइस बट टू एग्जॉस्ट, तद अभावात नमाम कर्माणि लिंपन्ति, उसका अभाव मेरे में होने से मुझे कर्म लेते नहीं। अभिजानाति का अर्थ देखो भाष्यकार करते हैं, इति यह अन्य अपि, कोई भी अन्य कोई भी ऐसा कोई जानता है, माम अभिजानाति, माम मतलब क्या, आत्मत्वेन अभिजानाति, वो ऐसा अकर्ता अभोक्ता
मैं उसका अपना आत्मा है ऐसा जानता है। आत्मा मतलब क्या? आई, मैं, अर्थात मैं ही अकर्ता अभोक्ता हूं। इसलिए क्या जानना है? न हम कर्ता न मे कर्म फल स्प्रहा इति जानाति सोपी कर्म भीर न बद्धते। कर्म से बद्धित नहीं होता, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया। ऐसे आपको जानने से मुक्त हुए ऐसा कोई हिस्ट्री है कि मैं ही पहला हूं? भगवान करे, तो परंपरा है, प्रमाण दे रहे। मैंने शुरू में भी कहा उपदेश खत्म हो चुका है, इसे मान के भगवान उपसंहार कर रहे हैं। तो देखिए क्या उपसंहार कर रहे हैं, 15वां श्लोक। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, कर्मैव तस्मात् त्वम्, पूर्वैः पूर्वतरं कृतं, पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। ये जो विसर्ग है ना, थोड़ा आप चैंटिंग सीखिए। विसर्ग के बाद जो भी स आता है, तीन स, एक दंत्य है स, दांत पे जीप जाएंगे। जैसे गुजराती में क्या ना, ससलानो स, फिर 45 डिग्रीज पे टंग टर्न करना है, उसे कहते हैं शंकर नो स। 90 डिग्री पे जाएंगे तो शट ऑन नो स। ट्राई करो, मैं बुलाता हूँ थोड़ा सी। द थ स, च छ श, ऊपर गई जी, च छ श, देखो गई, आगे जाओ, ट ठ श, ठीक है। विसर्ग के बाद जो भी स आता है, विसर्ग का उच्चारण ह नहीं करना है, वो ही स करना है। चेंटिंग में नहीं है, मतलब व्हेन यू ब्रेक संधि इट इज योर चॉइस, बट इफ इट इज अ वन सेंटेंस इट इज ऑप्शनल, ऑल राइट, बट व्हेन यू आर डूइंग चेंटिंग यू हैव टू डू दैट वे। और जो प होता है उसके बाद, तो उसका उच्चारण फ, पूर्वैः पूर्वतरम कृतम्, पूर्वैः ही पूर्वतरम। चेंटिंग में भी तकलीफ होगी, मात्रा बढ़ जाए, ठीक है। चलो दोबारा, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, कर्मैव तस्मात् त्वम्, पूर्वैः पूर्वतरं कृतं, पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। साथ में एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार से जान के, पूर्वैः मुमुक्षुभिः अपि कर्म कृतम्, पहले के आगे के मुमुक्षुओं ने भी कर्म किया है। तस्मात् त्वमपि, आप भी पूर्वतरम्, पूर्वैः पूर्वतरम् कृतम् कर्म एव, आगे के और उनके आगे से कर्म, मुमुक्षुओं की तरह तू भी कर्म कर। अर्जुन से कह दे, देखिए अर्जुन की जो मानसिकता है पहले अध्याय में, वो तो क्या है? श्लोक में कहते हैं, न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीम, उसके आगे लाइन में क्या है, विसृज्य सशरम चापम शोक संविग्न मास। उसने धनुष और बाण छोड़ दिए, विसृज्य सशरम चापम, शरम मीन्स बाण, चापम मीन्स धनुष, विसृज्य सशरम चापम छोड़ के, नयोत्से इति उक्त्वा, मैं नहीं करूं लड़ूंगा,
तो श्रेम उसने जो कहना था पहले अध्याय में कह के चुप हो गया। अर्थात उस अर्जुन ने ससाधनम कर्माणि त्यक्तवान, कर्म और उसके साधन दोनों का त्याग कर दिया। क्यों त्याग किया? उसका मन शोकाविष्ट था, मॉडर्न भाषा में कहेंगे बड़े तनाव में था, ही वाज स्ट्रेस्ड आउट। शब्द है शोक संविघ्न मानस, उसका मन शोक से भरा हुआ। एक सामान्य प्रकृति है, जब मनुष्य का मन शोकाविष्ट हो जाता है तब उसे कुछ करने नहीं है ऐसा भाव खड़ा होता है। कुछ करना नहीं उतना ही नहीं, जीने से के भी क्या फायदा, वो भी अर्जुन बोल दिए, न कांक्षे विजयम कृष्ण नच राज्यम सुखम च किम वा गोविंद जीवितेन, जीने से क्या फायदा। जब कोई नियर एंड डियर व्यक्ति मर जाती है, कुछ कैलामिटी घर में होती है, कई क्षणों के लिए दूसरे को भी होता है कि मैं अभी जी के क्या करूं, मुझे जीना नहीं। कभी कभी लोग रोते हैं मुझे छोड़ के कहाँ चले गए, छोड़ना था उसलिए गया बेचारा, जाने दे को इतना त्रस्त था उसको निकलना था इसलिए छोड़ के गया तेरे को। शोकाविष्ट मन है तो जीजी विषा भी नहीं रहती, कर्म की तृष्णा तो नहीं रहती है, फल की तृष्णा नहीं रहती है, भोग की नहीं रहती है, लेकिन जीजी विषा तक नहीं थी। अर्जुन की वही स्थिति, ये जो कर्म से उपरत होने का भाव है अर्जुन का, वो वैराग्य मूलक परिपक्वता मूलक नहीं था, आवेग मूलक ओवरपावर्ड बाय सर्टेन इमोशंस, ओवरपावर्ड बाय इम्प्रॉपर थिंकिंग, ठीक से सोच नहीं थी उसे, इसलिए उसे छोड़ देना था। भगवान गीता में एक ध्यान से सुनिए, बड़ा मिसकंसेप्शन चल रहा है आजकल, गीता में कर्म की रीति सिखाई, कुछ नहीं सिखाया, सिखाया तो अभी छोटा है, तात्पर्य वो नहीं है। ये भी दूसरा आक्षेप कर रहे हैं कि गीता में कहा है कर्म छोड़ना चाहिए, भगवान वो भी नहीं कहते। देखिए कर्म क्यों करना वो सिखा भगवान गीता जी में, कर्म कब तक करना और क्यों करना और कैसे करना वो सिखाया, और कर्म की रीत नहीं सिखाई है। गीता का तात्पर्य है अकर्ता है तू आत्मा, वो जान। इसलिए प्रत्येक अध्याय के उपसंहार में हम कहते हैं ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्। उपनिषद का सार आगे स्पष्ट, दूसरा शब्द ब्रह्म विद्यायाम गीतासु, गीता की विशेषण है, ब्रह्म विद्यायाम गीतासु भगवत गीतासु उपनिषत्सु गीतासु, यही ब्रह्म विद्या है कि तू अकर्ता आत्मा भोक्ता अभोक्ता ब्रह्म स्वरूप है, वो उपदेश। लेकिन अर्जुन को शोक के कारण कुछ करना नहीं है। अभी जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध न हो, दूसरे शब्दों में कहें तो अनलेस यू हैव इमोशनल मैच्योरिटी यू हैव नो राइट टू गिव अप कर्म। हमारे शास्त्र में दो चीज है, शास्त्र में पुनः पुनः कर्म के ऊपर भार दिया है, जोर से कहा करो, आदेश दिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवदितव्यम, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रवदितव्यम, स्वाध्यायो अध्येतव्य, सब वेद की आज्ञा है। गीता जी में है भगवान नियतम कुरु कर्मत्वम, कर्म जाह्यो अकर्मण, जो और अकर्मणे प्रत्यवाय दोष है, इतना लिखा है नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, इतना कहा है। वो ही वेद, वो ही हिंदू शास्त्र हमें अनुमति देते हैं कि आप कर्म छोड़ दो।
वही शास्त्र सन्यास को ग्लोरीफाई करते, सन्यास की महिमा करते। यही शास्त्र में कहा है, कुर्वन ने वे कर्माणी जिजी विशेष शतगुम समाहा, ईशावास्य उपनिषद का दूसरा मंत्र। क्यों? देखिए कर्म साधन है, जो कर्म से सिद्ध करना है वो न आने पह न सिद्ध होने पर अगर आप कर्म छोड़ दिए तो संसार में से मोक्ष पाने की संभावना नहीं रहेगी। जो कर्म संसार के बंधन का साधन है वो ही मोक्ष का साधन बन सकता है। रमण महर्षि जी ने बहुत सुंदर शब्द में कहा है, कृति महोदधौ पतन कारणम फलम शाश्वतम गति निरोधकम। संसार महोदधि में गिराने का गिरने का साधन है। कृति महोदधो, कर्म और कर्मफल के संसार में गिरना तो नहीं है, गिरे हुए ही है, वह रहने का साधन है। फलम शाश्वतम, कर्म का फल कभी पूर्ण नहीं हो सकता, अशाश्वत है, अपूर्ण है। गति निरोधकम, ज्यादा करोगे तो राग द्वेष बढ़ेंगे, रज गुण बढ़ेगा और संसार के मोक्ष गति के लिए निरोध करना मतलब इसे ऑब्स्टेकल। वो ही कर्म आगे कहते हैं, ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम मुक्ति साधकम। वही कर्म चित्त की शुद्धि का साधन और उसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बन जाता है। देखिए संसार बुरा नहीं है, डोंट से संसार इज बैड, संसार संसार है, कोई कुछ बुरा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। मैंने दृष्टांत शायद मेरे मुंह से सुना होगा, कल ही मैंने बताया, पहले के जमाने में छुरी की शार्प करने के लिए ग्राइंडिंग व्हील आता था, साइकिल का पहिया था वो लेके आता था, वो इतना मतलब लाइक अ टार रोड जैसा था, हाथ लगाओ तो चिमड़ी छुल जाती थी और ऐसा घुमाता था जोर से। तो बच्चे थे तो हम देखने जाते थे, वो जब लगाता था तो स्पार्क आते थे तो देखने में मजा आता, और वो भी कारीगर आदमी था, मार्केटिंग वाला था, वो कुछ बातें करते करते करेगा क्योंकि उसको माल सेल करना था। वही ग्राइंडिंग व्हील जो आपकी चाकू का एज शार्प करेगा, वही ग्राइंड व्हील गिल उसकी एज को खराब करके बटर की नाइफ बना सकता है, अगर ठीक एंगल पे नहीं लगा तो। जब उसकी एज शार्प हो गई फिर व्हील की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए कहा छोड़ दो, लेकिन जब तक नहीं हुई तब तक इसकी आवश्यकता। कर्म आवश्यक है जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है तब तक, जब तक वैराग्य खड़ा नहीं होता है तब तक, जब तक एकाग्रता नहीं आती है तब तक कर्म आवश्यक। कर्म छोड़ना नहीं, अपने आप छूट जाता है, किसी के कहने से कर्म छूटते नहीं है और किसी के कहने से कर्म पकड़े नहीं जाते, स्वयं में भाव होता है। जब कर्माशक्ति होती है तो किसी के कहने से नहीं होती, स्वयं से होती है। फलाशक्ति भी स्वयं से और अनाशक्ति भी स्वयं से, इसलिए अर्जुन को बार बार भगवान कर्म करने का उपदेश। शास्त्र में शंकराचार्य जी लिखते हैं, प्रासंगिकोयम उपदेश, दिस इज द स्पेसिफिक उपदेश टू अर्जुना एंड पीपल लाइक अर्जुना, दोज हू आर नॉट रेडी फॉर शास्त्र श्रवण मनन नीति ध्यास। कल उसकी चर्चा करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं दच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो